भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कम्युनल वायलेंस और पॉलिटिकल टेंशंस अपने चरम पर थी। 1947 के कश्मीर वॉर्स ने आग में घी डालने का काम किया, लेकिन 1971 में एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ जिसने सब कॉन्टिनेंट के मैप को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उन 13 दिनों की लड़ाई की कहानी है जिसके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1962 के वॉर में इल इक्विप्ड और सरप्राइज्ड भारत ने देश की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज में भारी कमी महसूस की। 1965 के वॉर में हालांकि भारत की जीत हुई, लेकिन इसने इंटेलिजेंस की कमियों को और ज्यादा उजागर किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑपरेशन जिब्राल्टर और छम रीजन में ट्रूप्स बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देने में नाकामयाब रहा, लेकिन एक शख्स रामेश्वर नाथ काव ने बदलाव की जरूरत को देखा। उन्होंने एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी के फॉर्मेशन को रिकमेंड करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट टाइप की और होम मिनिस्टर वाई के चौहान के विरोध के बावजूद गांधी ने इस प्रपोजल को मंजूरी दी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ का जन्म हुआ। कई महीनों के काम के बाद पाकिस्तान में रॉ के जासूस और ऑन ग्राउंड एसेट्स डाले गए और जल्द ही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ते अनरेस्ट को कंफर्म किया जिसका सबको पहले से ही शक था। जैसे ही रॉ एजेंट पाकिस्तान में गहराई तक गए, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अमेरिका पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करके उनके आर्म्स एम्बार्गो की धज्जियां उड़ा रहा था। इस इंफॉर्मेशन से भारत को ये पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में अमेरिका किसकी मदद करेगा। लेकिन जब हमारे जासूस इस इंफॉर्मेशन को उजागर कर रहे थे, तब ईस्ट पाकिस्तान में एक और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा था। जिन्ना के उर्दू को पाकिस्तान की सोल लैंग्वेज बनाने के फैसले ने बांग्ला बोलने वाले लोगों के गुस्से की आग को भड़का दिया। इस रिबेलियन में भाग लेने वाले प्रोमिनेंट लोगों में से एक शेख मुजीबुर रहमान थे, जिसने 1971 के वॉर में अहम भूमिका निभाई। इस रिवोल्ट ने देश की पहली ऑपोजिशन पार्टी बनाई, आवामी मुस्लिम लीग, जिसने जल्द ही सेकुलरिज्म के लिए अपने नाम से मुस्लिम शब्द को हटा दिया। 1957 में रहमान इसी पार्टी के लीडर बने। इसी दौरान जनरल अयूब खान ने एक मिलिट्री कूप के जरिए सत्ता पर कब्जा कर लिया और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया।